पर आज हम बांग्लादेश के उठाए एक ऐसे कदम की बात करेंगे जो सच में सराहनीय है, और ये उठाया गया कदम प्रदूषण को रोक पाने के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट्स की तरह ही बांग्लादेश ने एक और प्रोजेक्ट का टेंडर फिर से एक चाइनीज कंपनी CMEC को दे दिया है। बांग्लादेश की इस खबर को यहाँ हमने इसलिए भी कवर किया है क्योंकि बांग्लादेश से कहीं ज्यादा तेज अब भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। लेकिन फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। ये बहुत कम हुआ है कि बांग्लादेश के बारे में हिंदुस्तानी मीडिया पॉजिटिव बात करे। हमेशा से हमने देखा है कि हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश के फैसलों के ऊपर तनकीद करता हुआ नजर आता है। अगर कोई भी बड़ा फैसला करे बांग्लादेश, तो उसके ऊपर ये बात करता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सहारा लेकर बांग्लादेश ने ये कर दिया, बांग्लादेश ने वो कर दिया, बांग्लादेश चाइना की प्रोडक्ट को हिंदुस्तान भेज रहा है, बांग्लादेश भारत की इकोनॉमी को गिराने की कोशिश कर रहा है, हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की बातें हमने अमूमन सुनी है। आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ कि बांग्लादेश के फैसले के ऊपर हिंदुस्तानी मीडिया चैनल तारीफ कर रहा है और साथ ही साथ ये बात कह रहा है कि बांग्लादेश के इस फैसले को हिंदुस्तानी हुकूमत को भी अपनाना चाहिए। जिस तरह बांग्लादेश की हुकूमत काम कर रही है, बांग्लादेश की हुकूमत ने चाइना के साथ ये मुआहदा किया है। सबसे बड़ी बात है कि चाइना के साथ हुए मुआहदे पर भी हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश की तारीफें कर रहा है। इससे पहले आपको नहीं दिखा होगा कि हिंदुस्तानी मीडिया इस बात पे बांग्लादेश ने भारत के बजाय चाइना को ठेका दे दिया है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तानी मीडिया उस बात पर बांग्लादेश की तारीफें कर रहा है कि जो के ठेका चाइना को दे दिया है। हिंदुस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हैवी गो। भारतीय इकोनॉमी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए बांग्लादेश कैसे चोट पहुंचाता है, ये आप हमारी सभी पिछली वीडियोस में देख ही चुके होंगे। पर आज हम बांग्लादेश के उठाए एक ऐसे कदम की बात करेंगे जो सच में सराहनीय है, और ये उठाया गया कदम प्रदूषण को रोक पाने के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। भारत की सिटी इंदौर के अलावा कुछ चुनिंदा शहरों में ऑलरेडी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के एरिया को अगर कंपेयर किया जाए तो भारत के मुकाबले बांग्लादेश ज्यादा बड़े लेवल पे वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए तैयार हो रहा है। अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट्स की तरह ही बांग्लादेश ने एक और प्रोजेक्ट का टेंडर फिर से एक चाइनीज कंपनी CMEC को दे दिया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 42 मेगावाट की वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट लगाई जाएगी। चाइना को इस प्रोजेक्ट का मिलना एक जाहिर सी बात इसलिए भी थी क्योंकि चाइना उन देशों की लिस्ट में आता है जो सबसे अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट करना जानते हैं। ढाका के अमीन बाजार में लगाई जाने वाली इस पावर प्लांट के प्रोजेक्ट को साइन कर लिया गया है। अकेले ढाका ही हर साल लगभग 1.65 मिलियन मेट्रिक टन कचरा प्रोड्यूस करता है, और जिस एनर्जी पावर प्लांट को लगाया जाने वाला है वो प्लांट हर दिन लगभग 3000 टन वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में सक्षम है। आपको बता दें कि बांग्लादेश करीबन 15,000 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल करता है, और अकेले ढाका ही पैदा की गई पूरी बिजली का 47% हिस्सा कंज्यूम करता है, और इस हिसाब से कचरे से उत्पन्न ये 42 मेगावाट बिजली बांग्लादेश के करोड़ों रुपए बचा पाने में अपना योगदान देगी। बांग्लादेश के बारे में कमाल की बात यह है कि पूरे बांग्लादेश की 3/4 बिजली नेचुरल गैस से बनाई जाती है, और इस नेचुरल गैस को खुद बांग्लादेश प्रोड्यूस करता है। बची हुई 1/4 बिजली इंपोर्टेड कोल और पेट्रोलियम के इस्तेमाल से बांग्लादेश बनाता है। अपने इसी इंपोर्ट बिल को और कम करने के लिए बांग्लादेश का सबसे पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चाइना द्वारा लगाया जा रहा है। वैसे इस प्रोजेक्ट में कुल 17 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, पर बांग्लादेश और चाइना की करीबी को देखते हुए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये प्रोजेक्ट किसी चाइनीज कंपनीज को ही मिलेगा। बांग्लादेश की इस खबर को यहाँ हमने इसलिए भी कवर किया है क्योंकि बांग्लादेश से कहीं ज्यादा तेज अब भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। लेकिन फिर भी अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए बांग्लादेश जिस हिसाब से नए तरीकों के साथ आगे आ रहा है, उसी तेजी से भारत को भी ऐसे उपाय खोजने की जरूरत है। आज भी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किए गए ज्यादातर दावे कागजों पे ही हैं। भारत का मेजॉरिटी वेस्ट गांव और खेतों से जनरेट होता है, लेकिन आज भी ऐसी जगहों पे वेस्ट कलेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज भी किसान को एग्रीकल्चरल वेस्ट को ठिकाने लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसे जला दिया जाता है। जो बचा हुआ कूड़ा शहरों से इकट्ठा होता है उसमें भी गीले और सूखे कचरे को अलग नहीं किया जाता, जिसकी वजह से रिसाइकल होने वाला कचरा तक खराब हो जाता है। कूड़े से बिजली के उत्पादन को बढ़ाने से भारत कोयले की खदानों पे लगाए गए करोड़ों रुपए बचा सकता है, और इस पैसे को कहीं और अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि कचरे की रिसाइकलिंग की वजह से ही चाइना के लिए अरबों रुपए कमा रहा है। बांग्लादेश भी भारत
भारत की तरह ही रिन्यूएबल एनर्जी और वेस्ट टू एनर्जी सिस्टम पे काम कर रहा है। और क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी मेनली एक्सपोर्ट पर बेस है, इसलिए अपनी इंडस्ट्रीज को कम से कम कीमत पर चलाए रखने के लिए बांग्लादेश अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को बहुत तेजी से ढूंढ रहा है। भारत के खुद का वेस्ट एक अरबों की अपॉर्चुनिटी है और हमें लगता है कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी एक इंसेंटिव स्कीम निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप हमसे सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ वरना ना लिखने के बाद अपना रीजन भी जरूर दीजिएगा। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और अभी तक हमें सुन पा रहे हैं। तो जी ये थी वीडियो और देखें कि सबसे बड़ी बात है कि भारतीय मीडिया आज बांग्लादेश की तारीफें कर रहा है और जो फैसले बांग्लादेश की हुकूमत ने किए हैं इसकी तारीफें कर रहा है और साथ साथ हिंदुस्तान को ये कह रहे हैं कि जो अपना कचरा है इसको टिकाने लगाने के लिए, इसको रिसाइकल करने के लिए, इसे एनर्जी बनाने के लिए बांग्लादेश वाला प्लान अपनाएं और इस तरह से एनर्जी बनाएं। अब इसके अंदर अगर बात करें बांग्लादेश के सबसे बड़े डिसीजन की, तो ये चाइना की एक कंपनी को दिया गया है जिसमें 17 कंपनियाँ शामिल हैं। बांग्लादेश के अंदर जो प्रोड्यूस होता है कचरा, उसको रिसाइकल किया जाता है, उसको एनर्जी बनाया जाता है, एनर्जी के अंदर चेंज कर दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है बांग्लादेश की हुकूमत का और बांग्लादेश का। तो ये फैसले अब बांग्लादेश की अंदर जो एनर्जी की कमी है वो भी पूरे करेगी और इतनी इजाफी एनर्जी पैदा करेगी कि बांग्लादेश को किसी दूसरी कंट्री से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बांग्लादेश के अंदर ये प्लांट लगाना बहुत ही बड़ा फैसला है। आज दुनिया के अंदर देखें तो आलूदगी बढ़ रही है, कचरे को टिकाने लगाने के लिए जगह कम पड़ रही है, लेकिन वहीं पे बांग्लादेश ने बड़ा प्लांट लगाया जिसमें रिसाइकल किया जाएगा यही कचरा और इससे एनर्जी बनाई जाएगी। आज हिंदुस्तानी मीडिया भी बांग्लादेश की तारीफें कर रहा है और अपनी हुकूमत से ये कह रहा है कि बांग्लादेश की तरह इस प्लान पर अमल करें। यह बहुत कम हुआ है कि ये मीडिया चैनल्स बांग्लादेश की तारीफ करें, अगर तारीफ भी करते हैं तो उसके अंदर भी तनकीद की जाती है और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि बांग्लादेश को चाहिए हिंदुस्तान से मदद ले, बांग्लादेश को चाहिए हिंदुस्तान के प्लान को अपनाए, बांग्लादेश को चाहिए कि हिंदुस्तान को ये ठेका दे। लेकिन अब ये देखें तो हिंदुस्तानी मीडिया इसको तारीफ कर रहा है कि बांग्लादेश ने अच्छा फैसला किया जो कि चाइना को ये ठेका दे दिया। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।